इंटरनेट पर हमें एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिलते रहते हैं, जो अपने उल जलूल हरकतों से ना सिर्फ लोगों को हैरान करते हैं बल्कि हंसाते भी हैं। तो यार आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अतरंगी लोगों को लेकर हाजिर हैं, जिन्हें इंटरनेट पर पापा की परियां और माँ के मगरमच्छों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी कारनामे इतनी फनी होती हैं कि आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर। जब इस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी तो ट्रक वाला भी पिघल गया और फिर लिफ्ट देने के लिए ट्रक को रोक दिया। भाई साहब, ट्रक वाला भी सोच रहा होगा कि यार इतना बड़ा धोखा कि लोग लॉलीपॉप दिखाकर कद्दू साथ लगा दिए। अब भाई मिले इन माँ के मगरमच्छों से, जो भैया गांव के चबूतरे पर बैठकर जब भूत भगाने का खेल खेल रहे थे कि तभी एंट्री होती है इनके माता श्री का, जिसके बाद तो भाई साहब मम्मी ने इनका ऐसा भूत उतारा कि आप देखते ही रह जाएंगे। भाई साहब ये तो पता नहीं कि इस बंदे ने एक भी भूत उतारा कि नहीं, पर हाँ मम्मी ने इसके मौज मस्ती वाला भूत तत्काल उतार दिया। अब भाई मिलो एक और परी से, जो 15 अगस्त के दिन जब पहुंची स्कूल में स्पीच देने, तो भैया इन्होंने स्टेज पर खड़ी होकर ऐसी स्पीच दी कि लोगों के होश ही उड़ गए। बना बनाया जोश और जज्बा के माहौल को एक झटके में ही रोमांचित कर डाली। अब यार मिलो इस टकलू भाई से, जो कार से जब कहीं जा रहा था कि तभी इनका सामना इस गजरा बेचने वाले लड़के से हो गया, जिसके बाद तो भाई साहब ये इनके पीछे ही पड़ गया। मैं भी गजरा में क्या सर पे लगाऊं, कहां लगाऊं? हां 100 में लेके सर पे लगाऊंगा, कहां लगाऊंगा मैं? लगेगा तो प्राडो में जाना। प्राडो में नहीं जाना मैं, इसमें का इसका पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा, प्राडो का कौन भरेगा पेट्रोल? तेरे सर के बाल जल्दी आ जाए। मतलब यार मुझे तो ये सोच कर ही हंसी आ रही है कि गंजे के सिर पर गजरा, क्या नजारा होगा। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे यार वीडियो को लाइक जरूर करना, आगे और भी मजेदार वीडियो दिखाने वाले हैं। पर उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त किस गांव, किस शहर या किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब भाई मिलो इस परी से, जो भैया रास्ते से होकर जब कहीं जा रही थी कि तभी ये कुत्ता इन पर जोर जोर से भौंकने लगा, जिसके बाद तो भाई साहब परी ने जो किया उसे देखकर आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। भाई साहब कुत्ता भी सोच रहा होगा कि यार आज तक तो मैं धोखा में ही जी रहा था कि भौंकने का टैलेंट सिर्फ कुत्तों में ही होता है। अब भाई मिलो इस नमूने से, जो अपने घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बुलाया ताकि पुलिस उस चोर को पकड़ सके, पर भैया जैसे ही पुलिस इनके घर पहुंची तो वहां इनकी कहानी सुनकर दंग रह गई। अच्छा मतलब यही काम रहेगा, पुलिस नंबर भी ढूंढना वाला है। मतलब यार पुलिस भी सोच रही होगी कि यार जितने का तो इसका पजामा नहीं था, उससे ज्यादा ये हमारा डीजल खर्च करवा डाला। अब भाई मिले इस मोहतरमा से, जो सुबह सुबह जब बच्चे को लेकर गई कूड़ा फेंकने, तो भाई साहब ये भुलक्कर मोहतरमा कूड़े की जगह बच्चे को ही छोड़ आई। मतलब यार देख रहा हूँ मोहतरमा की हरकत कि उनको कूड़े और बच्चे में फर्क ही नजर नहीं आया।
अब भाई मिले इस बंदे से जो काफी मेहनत के बाद जब इस लड़की को प्रपोज करने के लिए इस जगह पर बुलाया ताकि ये अपने दिल की बातें कर सके। पर भैया जैसे ये प्रपोज करना शुरू ही किया था कि तभी ये गार्ड दौड़ते हुए आया और इनको यहाँ से हटा दिया। गजब बेइज्जती है भाई साहब। बंदा भी सोच रहा होगा कि यार इस मनहूस ने ऐन वक्त पर आकर मेरे महीनों के मेहनत पर पानी फेर डाला। तो हाँ यार, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ, ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।